ये किसी के जीवन में नहीं आना चाहिए, ये किसी की लाइफ में नहीं आना चाहिए। डायरेक्टर ने उस चीज को, उस इशू को लिया है जो इंटरनेशनल इशू है, और बहुत बड़ी बात है कि इस टॉपिक के सबसे पहले किसी डायरेक्टर ने इंडिया में मूवी बनाई। केरला एक इस्लामिक स्टेट बनता जा रहा है। फिल्म केरला स्टोरी इन दिनों खूब चर्चाएं बटोर रही है। चर्चाओं में है तो बयानबाजी भी इस फिल्म पर काफ़ी हो रही है। कोई इसे प्रोपोगंडा फिल्म बता रहा है तो कई लोग कह रहे हैं कि ये फिल्म सच का सामना कराने वाली है। आइसिस कब ज्वाइन किया ये जानने के लिए, क्यों ज्वाइन किया और कैसे ज्वाइन किया ये जानना ज़रूरी है। इन सब बातों के बीच लगातार इस फिल्म की स्क्रीनिंग हो रही है और लोग इस फिल्म को देखने पहुंच रहे हैं। हाल ही में सोमवार को जब इस फिल्म की DDX सिनेमा में स्क्रीनिंग हुई तो यहां आने वाले लोगों से, यहां आने वाले युवाओं से हमने जाना कि आखिर उनका इस फिल्म को लेकर क्या सोचना है और फिल्म देखने के बाद उनके क्या विचार हैं। मैंने फिल्म देखी, फिल्म बहुत अच्छी है। मतलब डायरेक्टर ने उस चीज को, उस इशू को लिया है जो इंटरनेशनल इशू है, और बहुत बड़ी बात है कि इस टॉपिक के सबसे पहले किसी डायरेक्टर ने इंडिया में मूवी बनाई है। हमने लव जिहाद सुना था, अपने आसपास भी देखा था, लेकिन इस मूवी, ये जो मूवी है उस चीज़ को फैक्ट्स के साथ देखती है। अब जैसे कुछ लोग कह रहे हैं 32,000 गलत है, बात 32,000 की नहीं, अगर एक भी इंसान के साथ ये होता है तो गलत है, और जिसने अगर किसी के साथ गलत किया है तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए। अगर हम बोलें तो हमारे जो क्रांतिकारी थे शहीद भगत सिंह और ये सुखदेव राजगुरु, ये 23 साल में देश के लिए फांसी चढ़े थे। शेरशाह का जो था, थे जिन्हें शेरशाह बोला गया था, वो भी 24-25 साल के लिए कारगिल युद्ध में शहीद हुए थे। रानी लक्ष्मीबाई 21 साल के युद्ध में हुए थे। चंद्रशेखर आज़ाद भी बहुत कम उम्र में हो गए थे। तो एज नहीं होती है, एक भावना होती है। आज भी 20-21 साल के बच्चे जो आर्मी में जाते हैं वो देश के लिए जान देते हैं। उम्र नहीं होती, बनने वाले उसामा बिन लादेन भी बनते और बनने वाले शेरशाह भी बनते। तो ये आप पे डिपेंड करता कि आप अपने बच्चे को क्या बनाना चाहते हैं। बहुत कुछ होती है, घर वालों को आप माहौल दीजिए, आप बच्चों को में बैठ कर डिस्कशन करिए दुनिया में क्या हो रहा है। अभी आप जाके पूछिए लोगों को, क्या पता होगा मणिपुर में क्या चल रहा है, क्यों हिंसा हो रही है, रीज़न क्या है। लोग पढ़ना नहीं चाहते, सुनना नहीं चाहते, देखना नहीं चाहते, बहुत सारी चीज़ें होती, डिबेट्स होती, बहुत सारी चीज़ें, कितने लोग ध्यान देते। और मोस्टली महिलाओं का ही काम होता है, माएँ हैं उनमें होता है कि वो बच्चों को बनाते। अगर छत्रपति शिवाजी राजे अगर बने हैं तो उनके पीछे उनकी माँ थी। आप उन माओं का योगदान कभी नहीं भूल सकते किसी के लिए भी। तो बहुत ज़रूरी है कि आपके यहाँ कितने वीर हुए हैं, इतने वीर हुए हैं, आपसे ज़्यादा कहीं वीर मिलेंगे नहीं, चाहे महिलाएं हो चाहे पुरुष हो। तो आप अपनी सच्ची हिस्ट्री पढ़िए। और मोस्टली तो हमारी जो बॉलीवुड फिल्मों ने भी सब बर्बाद करके दे दिया, उन्हीं का सबसे ज़्यादा लव जिहाद चलता है। लड़का लड़की हिंदू है, लड़का मुस्लिम है, वो लोग मोस्टली ऐसी ही पिक्चरें बनाते। बहुत कुछ इम्पेक्ट वहाँ से भी आया है। फिल्म बहुत अच्छी थी, काफ़ी अच्छा लगा देख के कि जो हकीकत है वो फाइनली पर्दे पे आई है। आज हम देखते हैं कि हमारा जो जितना भी हमारा हिंदू समाज है वो अपने कल्चर से दूर होता जा रहा है। चीज़ें पढ़ोगे ही नहीं तो अपने कल्चर को नहीं जानोगे, जब कल्चर को नहीं जानोगे तो आपका कन्वर्जन होना तो फिर लाजमी है और बहुत इजीली लोग कन्वर्ट हो जाते हैं। पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट करूँगा, हर बच्चे को आप अपने ग्रंथ पढ़ाओ, हर बच्चे को शिक्षा दो, क्योंकि जब तक सही शिक्षा नहीं मिलेगी, जब तक सही लोगों को पता नहीं चलेगा तब तक कोई मतलब नहीं है। और ये कहानी यार एक है, कश्मीर फाइल में भी 1% दिखाया था, इसमें भी 1% दिखाया है, मतलब सत्य तो जो है वो सामने आ ही नहीं पाता। और ये स्टोरी देखकर मुझे पता ज़रूर चला कि कैसे केरला एक इस्लामिक स्टेट बनता जा रहा है, कैसे वहाँ पर भोली भाली लड़कियों को जो कि कॉलेज गोइंग गर्ल्स हैं या स्कूल गोइंग गर्ल्स हैं, उन्हें बहला फुसला कर, उनके मन में कई चीज़ों को डालकर, उनका ब्रेन वॉश कर उन्हें इस्लाम कबूल करवाया जा रहा है। उन्हें सीरिया और ऐसी कई जगह पर भेजा जा रहा है जहाँ से उन्हें आतंकवाद का हिस्सा बनाया जा सके। कहीं ना कहीं धर्म के कंधे पर बंदूक रख के आतंकवाद फैलाने का एक जरिया शुरू हुआ है। आप हो सकता है कि आप समझदार हो, आप पढ़े लिखे हो, और हो सकता है इस चीज़ में आप नहीं फंसो,
सफ़र एक ऐसा ट्रैप है जिसमें आपके आसपास की हो सकता है कि कई लड़कियां फंस रही हों, और आप अगर इस चीज़ को समझ सकते हो तो आप उनकी मदद कर सकते हैं, उन्हें संभाल सकते हैं और ये सब चीज़ों को होने से रोक सकते हैं। आपको ये मूवी जाकर ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसी मूवी है जो आने वाले समय का सच बन सकती है। सबसे पहले तो हमें हमारे रूट्स के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। हम कहीं पर भटक इसलिए जाते हैं क्योंकि हमें रास्ते पता नहीं होते, हमें हमारे रूट्स ही पता नहीं होते, हम कहाँ से आए हैं पता ही नहीं। बस यही है कि हमें हमारे रूट्स पता होने ज़रूरी हैं ताकि हम इन सब चीज़ों में ना फंस सकें। चर्चा करने को कुछ है नहीं आपके साथ, मैंने भी ये पिक्चर पहली बार देखी है। और आप सबसे मैं एक बार जरूर कहूँगा कि एक किताब है, नादिया मुराद नाम की राइटर है, आप ही की उम्र की बच्ची थी आज से 10 साल पहले, वो नादिया मुराद, उसकी एक पुस्तक है, उसकी लिखी हुई अपनी आप बीती है, द लास्ट गर्ल। ये हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, ये ज़रूर पढ़ना चाहिए आप सब लोगों को, हम सबको पढ़ना चाहिए। मैंने इसको पढ़ा है, इसकी रिव्यू भी की है, और जिन 32,000 लड़कियों की बात केरला की गई है, वो एक हर एक बच्ची की वही कहानी है। वो भी इराक के एक शहर से उठाई गई थी, गाँव से, और वो यजीदी थी, गैर मुस्लिम लड़की थी वो, जैसे इसमें कोई क्रिश्चियन है कोई हिंदू लड़की है, ऐसी वो यजीदी कम्युनिटी की लड़की थी, और उसको इन्हीं लड़ाकों ने उठाया था उसको, और उसके सामने उसके सारे परिवार के लोगों को, गांव के लड़कों को मारा था, और उसकी माँ, उसकी मौसी, उसकी सहेलियाँ, उन सबको कैप्चर करके वो ले गए थे। वो कई बार बिकी, जैसे इसमें आपने देखा कि वो किसी के साथ है लेकिन किसी और के साथ चली गई, फिर कोई और तीसरे चौथे पाँचवें आठवें, ये सब जो चला है, तो इसी तरह से वो सारी लड़कियां, वो बिल्कुल रियल स्टोरी है 2014 की, वो यूनाइटेड नेशन तक गई वो लड़की, जैसे इसमें शालिनी बच गई जिंदा, उसी तरह से उसमें जो नादिया है, वो मोसूल नाम के शहर से, जहां इनका खलीफा जिसके चक्कर में ये सब गई, अबू बकर अल बगदादी उसका नाम था, जो अपने दो बच्चों के साथ में एक टनल में मारा गया US के हमले में बाद में, अभी कुछ साल पहले। तो नादिया जो है वो बचकर निकली किसी तरह से उस शहर से, और वो यूनाइटेड नेशन तक गई, एक जर्मन NGO के हाथ चली गई वो, तो उसने फिर अपनी कहानी पूरी दुनिया को बताई। अब ये सब हमारे परिवारों में कोई नहीं बताता, हमारे परिवार में आप सब हॉस्टल में रहते हैं, कॉलेज में रहते हैं, कोचिंग जाते हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, सब जगह जाते हैं, लेकिन जाते समय कोई माता पिता अपने बच्चियों को ख़ास तौर से ये नहीं बताते कि जब वो हॉस्टल में रहें या कॉलेज में या कोचिंग में बैठें और बाहर अपने दोस्तों के साथ घूमें तो उन्हें सावधानियां क्या रखनी चाहिए, उनको किन से मिलना चाहिए, किन को अपने नज़दीक आने देना चाहिए और किन के नज़दीक उनको कितना कब जाना चाहिए। ये थोड़ी बेसिक किस्म की सावधानियां हैं, और इसको बताने में किसी के खिलाफ नफरत नहीं है, ये आपकी सेफ्टी के लिए है, क्योंकि हम सब कुछ अपने बारे में भी नहीं पढ़ते, अपने कल्चर के बारे में भी नहीं पढ़ते, और जो खतरे हैं उनके बारे में बिल्कुल नहीं पढ़ते। तो थोड़ा बहुत हमको अपने कैरियर की किताबों के अलावा थोड़ा अपनी संस्कृति के बारे में, थोड़ा उनकी संस्कृति के बारे में, जो ऐसी बातें हमारे दिमागों में डालते हैं धीरे धीरे, हमको ये सारे डाइवर्ट करते हैं, ये सब अपनी सुरक्षा के लिए, ये कोई फिक्शन नहीं है, ये कोई अमिताभ बच्चन की कोई कपोल कल्पना उस तरह की मनोरंजक कहानी नहीं है, ये कोई अच्छी फिल्म नहीं है, क्योंकि ये किसी अच्छी कहानी पर नहीं है, ये कोई कहानी अच्छी नहीं है, ये किसी के जीवन में नहीं आना चाहिए, ये किसी की लाइफ में नहीं आना चाहिए।